नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन भारत का एक और विभाजन करने की कर रहा है बात। पीएम मोदी ने नवादा में कहा गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है, मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। बिहार के नवादा में बोले पीएम मोदी पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में कहा बिहार में विकास तेज गति से हो रहा है, लालू राबड़ी ने 15 साल के शासन में कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली करेंगे, भाजपा उम्मीदवार जयंत राय के समर्थन में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश में जबलपुर में रोड शो के साथ राज्य में अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे, शहीद भगत सिंह चौराहे से आदि शंकराचार्य चौराहे तक होगा रोड शो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के आरियालूर में की जनसभा, कहा कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज राजस्थान के पिलानी में करेंगे जनसभा, पार्टी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भरतपुर, सीकर और दौसा में करेंगे जनसभाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी आज परुलिया में करेंगी जनसभा। राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कैंपेन कमेटी तैयार हो गई है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 32 नेताओं के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग का फ्लाइंग स्क्वाड मुस्तैद, करूर में वाहनों की कर रहा है चेकिंग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के प्रमुख स्टालिन ने पुडुचेरी में की जनसभा, सहयोगी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। भाजपा नेता रचना रेड्डी ने कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल उठाने वाले बयान पर साधा निशाना, कहा रेवंत रेड्डी ने हाल के चुनाव ईवीएम से की जीते थे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर किया दावा, कहा एनडीए बिहार में 40 की 40 सीट जीतेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा मेरा परिवार लालू यादव जी ने ही तोड़वाया था, उनके परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी और अब की बार एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। भाजपा प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला, चुनाव प्रचार के बाद लौटते वक्त हुगली जिले के बांसबेरिया इलाके में बांस व लाठियों से कार पर हुआ हमला। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी के गुंडों पर हमले का लगाया आरोप, कहा काली पूजा से लौटते वक्त शिल्पी चटर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने किया हमला। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा भाजपा नेताओं पर हमले कर ममता चुनाव जीत जाएगी क्या। भाजपा नेता शंकर घोष ने कहा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक परंपरा बन गई है, सत्तारूढ़ दल विपक्ष कर सकती है हमला। भाजपा के दार्जिलिंग से उम्मीदवार राजू बिस्ता ने कहा कि चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में बंगाल सरकार वोट बैंक के लालच में डेमोग्राफी को बदल रही है। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने लॉकेट चटर्जी के वाहन पर हमले पर कहा टीएमसी के पास हमला और गुंडागर्दी छोड़कर उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के बयान, राष्ट्रीय जनता दल की सारण से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता के बीच जाए तो वास्तविकता पता चल जाएगी। राजद नेता मनोज झा ने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 2013 में ही देने की बात कही थी, वे सवाल आज भी वहीं खड़ा है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एनडीए के 2 करोड़ रोजगार देने के वादे पर उठाए सवाल, कहा रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। भाजपा नेता गौरव बल्लभ ने कहा इस्तीफे से पहले कांग्रेस के हर शीर्ष नेता से कहा, सनातन धर्म के अपमान को मौन स्वीकृति हम नहीं दे सकते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कहा इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की विचारधारा पूरी तरह दिख रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, महायुति के उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीतेंगे। चेन्नई साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर तमिलस्वामी सौंदरराजन ने पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियों का किया निरीक्षण। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा तमिलनाडु के लोग खुश हैं और उन्हें पीएम के दौरे की उम्मीद है, निश्चित तौर पर उनके दौरे को समर्थन मिलेगा। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर, भाजपा ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने आप पर हमला बोलते हुए कहा कि एक दिन के उपवास से उनके पाप का पश्चाताप नहीं होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आप नेताओं का दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास जारी। पंजाब के नवांशहर में आप नेताओं का सामूहिक उपवास जारी। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा दिल्ली और देश भर में तानाशाही के खिलाफ आपका उपवास है। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा हम अरविंद केजरीवाल के लूट का मॉडल दिखा रहे हैं, दिल्ली की जनता को लूटने का काम केजरीवाल ने किया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे के बयान पर कहा कांग्रेस कश्मीर और अन्य राज्यों को पृथक पृथक कर देखती है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस देश की एकता के साथ खिलवाड़ कर रही है। बता दें कि खड़गे ने राजस्थान में कहा था कि धारा 370 हटने से राजस्थान में क्या फर्क पड़ता है, इस दौरान खड़गे ने 370 को 371 कह दिया। धार के ऐतिहासिक गौशाला में एएसआई सर्वे का काम 17वें दिन जारी, कल टीम ने आधुनिक उपकरणों के जरिए वैज्ञानिक पद्धति से करीब 9 घंटे सर्वे का काम किया। लाओस में अवैध काम में फंसे 17 भारतीय लौट रहे स्वदेश, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अधिकारियों को जताया आभार। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व स्वास्थ्य दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा हम सब मिलकर बीमारियों के संकट से लड़ने का संकल्प लें और उन सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को धन्यवाद दें जिन्होंने इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से हुई बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज वडोदरा में बुद्धिजीवी सम्मेलन में होंगे शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बोधगया के भारतीय प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति गया के महाबोधि मंदिर भी जाएंगे। दिल्ली के पश्चिम बिहार मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल के हुगली में तेज बारिश, कई हिस्सों में हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित। गर्मियां शुरू होने के साथ ही नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में इजाफा, मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं पर्यटक। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहक सेवाओं की निगरानी के लिए अपनी शाखाओं में गुप्त दौरे की योजना बनाई है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने यूसीबी सम्मेलन में प्रशासन और कार्य प्रौद्योगिकी पर जोर दिया। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने आदित्य बिरला समूह से 2075 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन ने भिवाड़ी में संयंत्र स्थापित करने के लिए रीको से किया करार, पहले चरण में 150 करोड़ का किया जाएगा निवेश। विमानन कंपनी विस्तारा के सीईओ विनोद कर्णन ने कहा कि 98% से अधिक पायलटों ने नए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस महीने का परिचालन सप्ताहांत तक स्थिर होने की उम्मीद है।
विप्रो के सीईओ थियरी डेलापोर्ट ने इस्तीफा दिया है और श्रीनिवास पिल्लैया नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने कहा वित्तीय वर्ष 2024 के चौथी तिमाही में भारत में परिचालन की स्थितियां नर्म बनी रही। टाटा स्टील ने मार्च की तिमाही में बिक्री में 5% के इजाफे की रिपोर्ट की। एथन एनर्जी के सीईओ तरुण मेहता ने कहा कि भारत को ई स्कूटर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी जारी रखनी चाहिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ब्लैकस्टोन ग्रुप और एमएससी ग्रुप को शेयर तथा वारंट जारी करके 3,911 करोड़ रुपए जुटाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री इस साल 66% बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ साल 2024 के आखिर तक ईवी कुल पीवी बाजार का लगभग 4% हिस्सा होगा। भारतीय निर्यातकों ने इस साल 2023 में यूरोपीय और लातिनी अमेरिकी देशों को निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की। इस दौरान रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला में खासतौर से भारतीय उत्पादों की मांग में काफी इजाफा देखने को मिला। वर्ष 2022-23 के दौरान सिंगापुर और भारत के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 35.6 अरब अमरीकी डॉलर दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच का ये व्यापारिक आंकड़ा सालाना आधार पर 18.2% अधिक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 60 से अधिक स्टेशनों की सह ब्रांडिंग प्रतिष्ठित कॉरपोरेट PSU और मीडिया कंपनियों के साथ की है। एक आधिकारिक बयान में DMRC ने ये जानकारी दी है। डिज्नी प्लस बहुत जल्द लॉगिन पासवर्ड शेयरिंग की ऑप्शन पर बैन लगाने की तैयारी में है। कंपनी के सीईओ ने एक बात के दौरान ये कहा कि कंपनी इस साल जून से इस दिशा में काम करना शुरू कर देगी। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर 2 रूसी हमलों में 7 लोगों की मौत। यूक्रेन की नेशनल पुलिस बोली ये ड्रोन अटैक था। दक्षिण चीन सागर में अमरीकी समेत 4 देश करेंगे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। चीन ने संयुक्त अभ्यास पर नहीं की टिप्पणी। ब्रिटेन और आयरलैंड में खतरनाक तूफान, कुछ हिस्सों में फ्लाइट रद्द और बिजली गुल। इसराइल के तेल अबीब में पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। इसराइल ने लेबनान पर किए हमले। अमेरिका के फ्लोरिडा के बार के भीतर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 पुलिस अधिकारी सहित 7 लोग घायल हो गए। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर ने इक्वाडोर से अपने राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। इक्वाडोर के पुलिस अधिकारियों ने राजधानी क्यूटो में स्थित मैक्सिको के दूतावास में जबरन घुसकर इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को हिरासत में ले लिया था। जॉर्ज ग्लास ने मैक्सिको के दूतावास में राजनीतिक शरण दिए जाने का अनुरोध किया था। इस घटनाक्रम के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति ने इक्वाडोर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की। इस मामले पर इक्वाडोर के विदेश मंत्री ने कहा कि मैक्सिको ने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गजा शहर के अलशिफा अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने कहा कि उनकी टीम अलशिफा अस्पताल तक पहुंचने में कामयाब रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है कि अलशिफा अस्पताल पूरी तरह नष्ट हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडेनोम घेब्रेयेसस ने बड़े पैमाने पर हुए विनाश का ब्यौरा देते हुए कहा कि उन्होंने ये भी पाया कि हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स की अधिकांश इमारतें बड़े पैमाने पर नष्ट हो गई हैं। उत्तरी गाजा में लगभग 70% आबादी भयावह भुखमरी का सामना कर रही है। बच्चों में कुपोषण रिकॉर्ड गति से बढ़ रहा है। अकाल जैसे हालात के बीच संयुक्त अरब अमीरात के 2 विमानों और मिस्र के 2 विमानों ने उत्तरी गाजा के अलग अलग इलाकों में 82 टन भोजन और राहत सहायता और आपूर्ति गिराई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होगी। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमें अपने खराब प्रदर्शन के दौर से गुजर रही हैं। अब तक खेले गए 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। वहीं मुंबई इंडियंस को इस सीजन में 1 भी जीत नसीब नहीं हुई है। वहीं आईपीएल में आज 2रा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें लखनऊ में भिड़ेंगी।
इस सीजन में दोनों टीमों ने अब तक दो दो मुकाबले जीते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव पर भी आज सभी की नजरें होंगी। वहीं गुजरात के लिए शुभमन गिल ने पिछले मैच नाबाद 89 रन बनाए थे, वे अपने इस प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेंगे। आईपीएल में शनिवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 6 विकेट से हराकर अपनी चौथी जीत दर्ज की। राजस्थान के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने विराट कोहली की नाबाद 113 रनों की पारी की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए। राजस्थान ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 189 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। आरसीबी के खिलाफ मैच में राजस्थान के जूस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 100 रन बनाए। वहीं कप्तान संजू सैमसन ने 69 की अर्धशतकीय पारी खेली। रॉयल चैलेंजर्स के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार शतक जड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कोहली ने 72 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 113 रनों की पारी खेली। कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने आईपीएल में 7500 रन पूरे कर लिए हैं। वहीं ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने अपने टी20 करियर में 8000 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोहली को 8000 रन पूरे करने के लिए 110 रनों की जरूरत थी। उन्होंने नाबाद 113 रनों की पारी खेलकर ये मुकाम भी अपने नाम कर लिया। कोहली राजस्थान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया है। धवन ने इस टीम के खिलाफ 679 रन बनाए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेलेगी। कल खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 5-1 के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। पीडीए कैंडिडेट 2024 चेस टूर्नामेंट में भारत के युवा शतरंज स्टार आर प्रगरंदा ने अपने हमवतन संतोष गुजराती विदित को हरा दिया है। टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रगरंदा ने संतोष गुजराती को 1-0 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं फिडे कैंडिडेट 2024 चेस टूर्नामेंट के महिला वर्ग में वैशाली रामेश बाबू ने बुल्गारिया की नूरागुल सलीमोवा को हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत की अनुपमा उपाध्याय के कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल के खिताब को किया अपने नाम। खिताबी मैच में अनुपमा ने हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ को दी मात। आयुष शर्मा की एक्शन थ्रिलर रूसलान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म आजीवितम द गेट लाइफ 65 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ मलयालम सिनेमा में पहले सप्ताहांत में सबसे अधिक कमाई दर्ज की। विजय देवर कोंडा और मृणाल ठाकुर की फिल्म फैमिली स्टार अपने ओपनिंग डे पर 5.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। पुष्पा 2 का नया पोस्टर रिलीज करते हुए अल्लू अर्जुन ने फैंस को सरप्राइज दिया है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विद्या बालन और प्रतीक गांधी की फिल्म 2 और 2 प्यार का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित ये फिल्म 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मिर्जापुर 3 की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल के अंत तक पंकज त्रिपाठी की मोस्ट पॉपुलर रिलीज मिर्जापुर रिलीज हो जाएगी। फिल्म बाहर आ चमन प्रकाश रिलीज हो चुकी है। इसमें अमोल गुप्ते और हिमानी चावला के अलावा नमोशी भी नजर आए हैं। फिल्म हेरा मंडी के नवाबों के फर्स्ट लुक को जारी कर दिया गया है और भंसाली की सीरीज में फरदीन खान, शेखर सुनम और अध्ययन सुमन और ताहर तानाशाह नजर आने वाले हैं। विकी कौशल ने अपने फिल्म छावा का शूटिंग पूरी कर ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर अभिनेता ने इस बात की जानकारी दी है। फिल्म में विकी छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। राजकुमार राव की आगामी फिल्म श्रीकांत का पहला लुक जारी हो गया है। मशहूर उद्योगपति श्रीकांत की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म 10 मई को रिलीज होगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।